एक पति और दो पत्नी किस तरह से करवा चौथ मनाते हैं ये हम लोग आज देखेंगे। आज शाम में करवा चौथ मनाया जाएगा और उसका आनंद हम लोग लेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, आप सभी का स्वागत है अजीत पेंटर हैदरगंज में। और आज है करवा चौथ, आज करवा चौथ का दिन है और सब लोग भूखे प्यासे हैं। और इसी भी मौके पर हमसे मिलने चली आई हैं कुमारगंज से, और इनके चैनल का नाम है अंजल 333। चैनल सही नहीं था, इनका चैनल हम सही करके दिए हैं, कुमारगंज से आई हैं दोनों लोग। बोलिए अंजल, बोलिए अपना नाम, अपना नाम बोलिए। एंजल 333, मेरे चैनल का नाम एंजल 333 है। एंजल 333 के चैनल का नाम है, आप सब लोग इनको ज्यादा से ज्यादा प्यार दुलार बनाए रखिएगा। तो हम ही बनाते हैं, हमको सपोर्ट करिए। यही बिटिया बनाती है। बोलिए बोलिए बाबू, मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। हाँ, ये वीडियो बनाती है, इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और इनसे मिलिए। ब्लॉगिंग करती हूँ, मुझे भी सपोर्ट करिए। भैया के चैनल में आप लोग का स्वागत है। बोलिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, सभी के चैनल में सभी का स्वागत है। तो दीदी हमसे मिलने आज कुमारगंज से चल के आई है, कभी भी मतलब हमसे मिली नहीं थी, आज पहली बार मिलने आई है, हमारा वीडियो देख के। 70 किलोमीटर दूर से आई है, दूर से आई है। और अंजल 333 इनके चैनल का नाम है, आप लोग जाइएगा, इनको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। अब उतनी दूर से चल के आई है दीदी, आज तो इनको हम समय नहीं दे पाए क्योंकि कुछ मीडिया वाले भैया आ गए थे, इंटरव्यू हो रहा था, इसीलिए इनको समय नहीं दे पाए। बस वही चैनल वैनल ठीक हुआ है, लेकिन अगले दिन जब फिर आएंगे तो इनको फुल समय देंगे और साथ में ब्लॉग शॉर्ट कॉमेडी सब कुछ बनाएंगे इनके साथ में। और जाइएगा इनके चैनल पे, ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। और ये भाभी जी हैं, बोलिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सभी के चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग, नीलम कुमारी हरिओम के नाम से हमारा चैनल है। दोस्तों आप लोग जाइए देखिए और लाइक कमेंट। और भाई साहब अपना चैनल बताते हैं, हमारे भाई साहब का चैनल नहीं बताइए, अहम हैदरगंज के नाम से चैनल है उनका। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सभी के चैनल में सभी का स्वागत है। और हमारी दीदी आई हैं बहुत दूर से मिलने के लिए, हमारी दीदी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और आज हम सब अपने दीदी के साथ टाइम नहीं दे पाए दोस्तों, क्योंकि करा चौथ है और हमारा चैनल का नाम है। तो थी दीदी से बोले थे, लेकिन दीदी कहीं कोई बात नहीं, हम शाम तक वापस हो जाएंगे। हम कहें दीदी ठीक है, आप आ जाइए और जो हो सकेगा चैनल में देखेंगे और कर देंगे अच्छी तरीके से सेटिंग, आपका वीडियो चलेगा अच्छे से, वीडियो बनाइएगा। और कौन कौन करवा चौथ भूखा है कमेंट करके बताइएगा, और जितने हमारे देवर लोग अपनी दीदी के लिए भूखे हैं वो भी कमेंट करके बताएंगे और शाम को लाइव आएंगे फिर आप लोग से मिलेंगे। और आप सभी लोगों से मिलवाना चाहते हैं, दो लोग ऐसे लोगों से बिहार से चल के आए हैं हमारे पास 700 किलोमीटर दूर से, आ जाइए भाई साहब। यही यही लोग हमारा टाइम ही ले लिए। सबसे पहले नमस्कार, आइए ना महाराज, मेरे मित्र हैं अमरीश जी, जो कि इनका YouTube चैनल पे 800,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है और बहुत मेहनत करते हैं दिन रात, और ये मेरा मित्र हैं और अच्छा खासा दोनों जाके वीडियो कवरेज करते हैं। और मेरे बड़े भैया समान जो है कि पहले इनके घर पे आए थे और इनका वीडियो किए थे, और इतना अच्छा वीडियो का प्यार मिला कि शायद आपको बताते हुए इतना खुशी हो रही है कि 22 मिलियन से भी ज्यादा इनका वीडियो चला। और फिर दूसरी बार आए करवा चौथ के मौके पर, जो कि सोचे कि दो पत्नी एक पति को करवा चौथ में चलने से मुंह कैसे देखेगी, तो वो चीज़ को दिखाने के लिए इनके घर पे आए हैं और तमाम दूर दूर से लोग आए, इनसे मिलने का मौका मिला। और हमारे साथी हैं जो कुछ दो शब्द कहेंगे। दोस्तों नमस्कार, और मैं अमरीश कुशवाहा, और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है उम्मीद भारत, और इंस्टाग्राम पे हमें संपर्क करना चाहते हैं तो अमरीश कुशवाहा आईडी सर्च करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। बाकी आज हम ये भैया और भाभी लोगों से मिलने के लिए आए हैं क्योंकि आज करवा चौथ है और हर पत्नी हर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखते हैं, लेकिन इनका व्रत सबसे खास होने वाला है, इसलिए हम लोग समस्तीपुर से चल करके और लगभग 500-700 मीटर दूरी तय करके और आज इन लोगों से मिलने आए हैं। और मिलकर काफी अच्छा लगा क्योंकि एक पति और दो पत्नी किस तरह से करवा चौथ मनाते हैं ये हम लोग आज देखेंगे। आज शाम में करवा चौथ मनाया जाएगा और उसका आनंद हम लोग लेंगे। और सबसे बड़ी बात हम बता देते हैं, राहुल भाई भी शादीशुदा हैं और ये अपने पति को छोड़ करके करवा चौथ में अपना आनंद मना करके और भैया का करवा चौथ देखने के लिए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये इनका बहुत बड़ा करेजा, ये कैसे बर्दाश्त कर लिए पता नहीं। बाकी आप लोग भैया भाभी के बारे में और ये सब जो भी वीडियो बनाते हैं आप सब खूब सपोर्ट दीजिए और हम लोगों को भी प्यार दीजिए। बाकी अच्छा लगे तो इस वीडियो को इससे अधिक शेयर कीजिएगा। बाकी लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? हम ये कहना चाहते हैं कि वो भैया अपनी बीवी को छोड़ के आए, इतना ज्यादा उनको प्यार दुलार दे दो कि हमारे घर आने मतलब इतना ज्यादा खुश हो जाए कि भाभी के घर गए करवा चौथ अपने बीवी को छोड़ के, बहुत उससे ज्यादा भी खुशी मिल जाए उनके चैनल पे, इतना ज्यादा प्यार दे। अच्छा, जो कुमारे भैया सब हैं उन सब के लिए क्या कहना चाहेंगे, उन लोगों के लिए भी कोई करवा चौथ रखे
हाँ उनसे पहले बोल दिया अपने ब्लॉग में कि उनसे कहना चाहते हैं जिन हमारे देवर की शादी नहीं हुई है वो अपने दीदी से कह दे कि हमारे लिए व्रत रखो करवा चौथ का। जैसे जैसे न्यूज़ वाले भैया जैसे आप अपनी दीदी के लिए ये भी बोले होगी अपने दीदी, लेकिन आज हमारे अगर भाई साहब करवा चौथ रखना था तो हमारे पास क्यों आई, अपने भैया से शादी कर लेती करवा चौथ, हमारे देवर लोग अपनी दीदी के लिए व्रत और यही सब करके आई है तभी तो बोल रही हैं सब लोग, यही सब करके आई। ये मजाक चल रहा था हम लोगों का। बाकी आप सब ये वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।